हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो भाई साहब, फिलहाल मेरी बाइक देख सकते हो, बाइक लेकर आया था आपको। एक ऐसी जगह दिखानी है जो काफ़ी प्राचीन है। तो भाई देर किस बात की, जल्दी आ जाओ मेरे पीछे पीछे भाई, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है भाई। सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम है और बहुत सारे व्लॉग तो भाई पेंडिंग में पड़े हैं। और भाई ये जो तालाब है ना, इसमें बचपन में मैं नंगा नहाता था। और भाई साहब इसको करीब आज देखा है 8 या 10 साल के बाद। अगर इस समय मैं इस तालाब में नहाने की कोशिश करूं तो गंदा हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो ये पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जो भाई यादें हैं ना पुरानी गांव की, वो ताज़ा हो चुकी हैं। दोस्तों 10 या 15 दिन पहले ये जो छोटा सा टापू है ना भाई, ये पानी में डूबा हुआ था। और भाई अब बारिश नहीं हो रही है तो भाई पानी नीचे जा चुका है, देख सकते हो। ये जो छोटा सा तालाब है, इसमें गाइज वहाँ पर देखो आप, ऊपर पत्थरों के ऊपर एक पिकॉक बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखो, ये बड़ का पेड़ है। और भाई पहले तो ये छोटा सा था, अब बहुत बड़ा हो चुका है। हम इस पर ऐसे झूल भी सकते हैं। तो गांव का यही फायदा है, गांव में अक्सर छोटे छोटे बच्चे ऐसे मस्ती करते हैं, तो दिल करता है तो भाई हम लोग भी झूल लेते हैं। यहां पर मेन दरवाज़ा है। तो ये जो दरगाह है, ये साहूपीर बाबा के नाम से जानी जाती है। बैठ जाऊँ यहाँ पट्टी पे, टूट तो ना जाए पट्टी, वजन बहुत ज़्यादा मुँह। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ जुहरू मोहम्मद के पास में। ये जो सौ पीर बाबा की दरगाह है, कितनी पुरानी हुएगी ये? कम से कम 150 साल। कम से कम 150 साल पुरानी है। भाई साहब ये क्या चीज है। और यहाँ पर देखो आप, देखो भाई पानी का छोटा सा कुंडा है। दोस्तों सौ पीर बाबा की जो दरगाह है, ये करीब 150-200 साल पुरानी बताई जाती है। तो यार देखो, टेंट से कहा बीमारी है अल्लाह कसम, यहाँ में तो वजन बहुत ज़्यादा है। वाह भाई, मेरे समझ ना आ रही कहाँ चीज़ होएगी यार। ये साहूपीर बाबा की दरगाह है, लकड़ी का किवाड़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस दीवार में सामने की तरफ ये जो नक्काशी की गई है भाई, इसे गौर से देखो आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन और लाजवाब है। तो गाइज यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ मैं। ओ तेरी खा गई। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साहूपीर बाबा की कब्रिस्तान है। और यहाँ पर अक्सर हिंदू मुसलमान सभी जाति के लोग आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो भाई, गुलाब के फूल भी हैं जो कलिया शायद आज सुबह के हैं। और यहाँ पर चद्दर भी चढ़ाई जाती है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरगाह है और ये काफ़ी प्राचीन है। दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, क्योंकि यहाँ पर भाई देखो, ये जो कीड़े हैं ना भाई, इन्होंने परेशान कर दिया है। और देखो भाई पैर में किस तरह से चिपट गया है और खून निकाल दिए भाई। तो यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे भाई बाहर की तरफ, ठीक है। किसी को नहीं पता कि सच में ये दरगाह कितनी पुरानी है, कितने साल हो चुके हैं मेरे भाई, किसी को नहीं पता है। गांव के लोगों से मैंने पूछा तो कोई 100 साल पुरानी बताता है, कोई 200 साल, कोई 150 साल। और पत्थरों के नीचे देखो डिजाइन, देखो भाई यहाँ पर एक कब्र है, कितने साल हो चुके हैं किसी को कुछ पता नहीं है। बस गांव के बुजुर्ग लोगों ने बताया कि यहां पर प्राचीन काल में एक मुसलमानों का गांव था। तो बस भाई आज के व्लॉग में इतना ही, हम बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।